खबर जालौर के सायला से है, जहां एक बार फिर कोरोना कहर के बीच टिड्डियों ने कहर बरपाना शुरू किया है। इस साल सायला क्षेत्र में टिड्डियों ने चौथी बार दस्तक दी है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्षेत्र के दहिवा, सांगना और जीवाणा सहित गांवों में टिड्डी दल ने डेरा डाला है। किसान विभिन्न जतन कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने टिड्डियों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाया और इस दौरान हमारे संवाददाता सुखदेव सिंह ने कृषि विभाग के अर्जुन सिंह से खास बातचीत की। सायला क्षेत्र में एक बार फिर टिड्डियों का कहर देखने को मिला है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्षेत्र के दहिवा, जीवाणा, सांगाना, आलवाड़ा व खेतलावा सहित गांवों में टिड्डियों का कहर देखने को मिला है। वहीं रात्रि पड़ाव दहिवा व जीवाणा एवं सांगाना ग्राम में टिड्डियों ने डाला है। टिड्डियों ने बाजरे की फसल को नष्ट किया है। वहीं इसको लेकर प्रशासन ने भी ऑपरेशन चलाया है, जो दहिवा व सांगाना में ऑपरेशन चलाकर टिड्डियों को नष्ट करने की कोशिश की है। हमारे साथ हैं कृषि विभाग के अर्जुन सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। जी अर्जुन सिंह जी, बताइए कि टिड्डियों को नष्ट करने के लिए आपके क्या प्रयास है? रात को सांगाना, केरली नाडी, दहिवा और जीवाणा के अंदर 8 बजे लोकेशन ट्रेस होने के बाद में हमारी टीम, नायब तहसीलदार साहब, आरआई साहब, पटवारी जी और हमने और जागरूक किसानों के साथ में मिल करके ट्रैक्टर उपलब्ध करवा करके 6 ट्रैक्टरों से हमने रात को ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। रात भर ऑपरेशन चला है, अभी तक चल रहा है और इससे काफ़ी 50% के आसपास टिड्डियाँ मारी गई है और फसलों में, बाजरा में थोड़ा बहुत नुकसान है, बाकी ये ज़्यादातर खेजड़ी को ही खाती है। ये तो हमारे साथ अर्जुन सिंह, इन्होंने बताया कि हमने टिड्डियों को नष्ट करने के लिए 6 ट्रैक्टरों द्वारा ऑपरेशन चलाया है और काफ़ी मात्रा में टिड्डियों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। सुखदेव सिंह, राजपुरोहित, A1 TV, सायला।